हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक क्लब ऑन यूट्यूब। दोस्तों, इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं और यहां पर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आपके फ़ोन के अंदर अगर स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं है तो कैसे आप एक नॉर्मल फ़ोन से भी रील्स वीडियो के लिए स्लो मोशन वीडियोज़ बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी स्टेप्स के अंदर। आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन की नीड नहीं है, जस्ट आपको रील्स ही यूज़ करना है और वो कैसे करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे। ये है मेरा पेज जहाँ पर मैं एक फूड ब्लॉगर भी हूँ और यहाँ पर ये मेरा पेज का नाम है गैंगस्टर्स ऑफ फूड। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। खैर, अब चलते हैं रील्स के पास और रील के अंदर हम चलने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वीडियो स्लो मोशन में बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैं ये बना चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हम आ गए हैं हमारे वीडियो के ऊपर। अब यहाँ चलते हैं डायरेक्टली राइट साइड में, ऊपर कैमरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कैमरा क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे ऊपर 15 सेकंड्स लिखा है, फिर एक म्यूजिक का आइकन दिख रहा है, साथ में यहाँ पे आपको 1x का ऑप्शन दिख रहा है। राइट, तो यहाँ पर आपको 3x, 1x, 5x, 2x, 3x इस तरीके से चीजें देखने को मिल जाती है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मेरा एक ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 5x कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूंगा, यहाँ पर जहाँ पे रील्स लिखा हुआ है उसके ऊपर एक बटन को, और उसे मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे मैं इसको हिला देता हूँ, तो देखिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब वापस से मैं इस 5x पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगेन 3x पे क्लिक करता हूँ और फिर से मैं करता हूँ, तो देखिए इस तरीके से ये हो गया रिकॉर्ड। यहाँ पर मैं अगेन जाता हूँ, थोड़ी और स्पीड को बढ़ाना है हमारे वीडियो के अंदर और स्मूथ करना है, फिर अगेन मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँगा। फिर आप इसे चाहे तो नॉर्मल पे 2x पे भी रख सकते हैं, तो इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। राइट, अब इसको हम नेक्स्ट करके देते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अलग अलग एक्स के अंदर इसको शूट किया, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। फिर उसके बाद मैंने अगेन चेंज किया, उसके बाद देखिए आपको किस तरीके की स्पीड देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, या आपका कोई डांस वीडियो है, या आपको कोई स्लो मोशन इफेक्ट आपको शूट करना है, बहुत ही ईजी तरीके से विदाउट एनी एप्लीकेशन की मदद से आप रील्स के अंदर जाकर ही स्लो मोशन वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, साथ ही में यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपने वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा ट्रिक जिसको आप यूज़ करके अच्छे वीडियोज़ बनाइए इंस्टाग्राम के ऊपर और फेमस हो जाइए। स्लो मोशन वीडियोज़ की काफ़ी हाईली डिमांड रहती है, आप ऐसे क्रिएटर बन सकते हैं फेमस वाले। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के ट्रिक्स, टिप्स और वीडियो के अनबॉक्सिंग्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोगों को हमेशा अपडेट करता रहूं। तब तक के लिए गाइज, थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर।